सिटी कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने को लेकर गुरुवार को दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगम के पार्षदों को अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने सुनवाई में यह तक कह दिया कि अगर ऐसे मामलों में नेता और अधिकारियों की पिटाई हो जाए तो उसमें हैरानी की बात नहीं। कोर्ट ने कहा कि यह स्थिति राजनीति के चलते उत्पन्न हुई है। कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा, अपने नेताओं को बताएं और उन्हें परिपक्व होना पड़ेगा, इन सबके ऊपर उठना होगा। अगर चीजें नहीं बदली और ऐसे ही चलता रहा तो हमें हैरानी नहीं होगी यदि इसमें शामिल नेता और लोगों को जनता सरेआम पीटना शुरू कर दे। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि नगर निगम और स्थानीय निकायों के बकाया कर्ज के एवज में उनसे लिए गए धन को 2 सप्ताह के भीतर उन्हें लौटाया जाए। जस्टिस सागी ने कहा, हम आप सभी के कितने खित हैं ये बता नहीं सकते। आपको कर्मचारियों की कोई फिक्र नहीं, आप पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं और आपको गरीब कर्मचारियों तथा सेवानियुक्त पेंशन भोगियों के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है। विज्ञापन के लिए पैसे है, सैलरी के लिए नहीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि दिल्ली सरकार के राजस्व में कमी आई है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से विज्ञापनों में पैसा बहाया गया उसे सवाल जरूर खड़े होते हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, आपने कितना पैसा विज्ञापनों पर खर्च किया है, हम जानना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि आपके पास विज्ञापन पर खर्च करने के लिए पैसा है लेकिन MCD के गरीब कर्मचारियों को देने के लिए नहीं। हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हम CAG को इस मामले में जांच करने के लिए आदेश दे सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के नतीजे देखने के लिए देखते रहिए द नेटिजन न्यूज चैनल को। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।